दोस्तों, इस वीडियो में हम कमांड लाइन पार्सिंग का एक एग्जांपल देखेंगे। कमांड लाइन पार्सिंग क्या होता है? मतलब आप अगर मान लीजिए कोई पाइथन या कोई प्रोग्राम यूज़ किए होंगे, या लिनक्स में तो बहुत ज़्यादा होता है, या उबंटू बोल रहा हूँ मैं, तो उसमें क्या होता है कि कोई कमांड लिखी है, उसमें बहुत सारा फ्लैग होता है। जैसे सबसे सिंपल एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए करते हैं ls, फिर ls-l कर देते हैं, ls-ltr कर देते हैं। अगर लिनक्स में ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। इसे क्या क्या होता है कि आप कोई एक तरह से आप कोई प्रोग्राम कॉल कर रहे हैं, लेकिन उसको आप कुछ फ्लैग पास कर देते हैं। फ्लैग से क्या होता है कि आप बोलना चाहते हैं कि थोड़ा सा और डिफरेंट बिहेवियर आपको चाहिए। जैसे कोई भी एप्लीकेशन है, आप अगर आप किसी को आपको कोई एप्लीकेशन आप खरीदे हैं, एप्लीकेशन को आप शिप कर रहे हैं, तो क्या होता है आप एक ही तरह का बिहेवियर तो नहीं दे सकते। थोड़ा मोड़ा उसमें ऑप्शन देते हैं कि ऐसा करोगे तो ये होगा, वैसा करोगे तो ये होगा, और उसको उसके लिए फ्लैग होता है। फ्लैग मतलब जैसे मान लीजिए कमांड है ls, अगर आप लिनक्स यूज़ नहीं किए कभी तो कोई बात नहीं, मान लीजिए जैसे कि ls एक प्रोग्राम है। ls क्या करता है, सारा फाइल को लिस्ट कर देता है। ls एंटर मारिएगा तो उस डायरेक्टरी में जितना फाइल होगा सब दिख जाएगा। लेकिन उसमें क्या होता है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप ls-l करिएगा, ls-l, -l करने का मतलब क्या हुआ, क्या बोल रहा है कि फाइल को लिस्ट करो, लेकिन उसमें डेट कब मॉडिफाई हुआ है, उसका साइज कब है, साइज कितना फाइल का, वो सब भी दिखाने लगता है वो ls-l करने से। तो अब क्या हुआ, प्रोग्राम सेम ही है ls, लेकिन एक फ्लैग पास करने से उसका बिहेवियर अलग हो गया। ओके, उसी तरह अगर ls-ltr कर दीजिएगा तो क्या होगा कि सारा फाइल दिखेगा, उसका साइज भी दिखेगा, लेकिन वो एक सीक्वेंस में सॉर्ट हो जाता है। मतलब ये सबसे जो नया फाइल है उस डायरेक्टरी में वो सबसे नीचे दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा अभी नया फाइल कौन सा ऐड किए हैं इस फोल्डर में, इस टाइप से बहुत आसान हो जाता है। अब ls ही प्रोग्राम है लेकिन अलग बिहेवियर है। अब आप कोई भी एप्लीकेशन मान लीजिए बना रहे हैं, तो आपको मन करेगा कि अरे मेरे भी ऑप्शन होता तो बहुत अच्छा होता। ऐसा मतलब आपको कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे तो बहुत ही बेसिक नीड है एक तरह का ये एप्लीकेशन का। ओके, तो मैं क्या किया हूँ यहाँ पे, मैं डायरेक्ट पाइथन के एक वेबसाइट है पाइथन का, वहीं से कॉपी कर लिया एग्जांपल को, ताकि आपको इलस्ट्रेट करके बता सकें, और इसमें थोड़ा मोड़ा ट्विक करेंगे ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली हो क्या रहा है। क्योंकि ऐसे डायरेक्टली देखने से बहुत सारा चीज़ समझ में नहीं आता कि क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले क्या कीजिए, इम्पोर्ट आर्क पार्स, ये तो बहुत ईजी है। आर्क पार्स एक मॉड्यूल है पाइथन में जो ये सारा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, अब क्या करते हैं, कर रहे हैं देखिए, सबसे पहले आर्क पार्स डॉट आर्ग्यूमेंट पार्सर, एक वो एक तरह का समझिए ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लिए आर्ग्यूमेंट पार्सर का, और पार्सर में असाइन कर दिए। अब क्या कर रहे हैं, पार्सर डॉट ऐड आर्ग्यूमेंट, मतलब ऐड आर्ग्यूमेंट मतलब कि एक फ्लैग हम एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। जब भी ऐड आर्ग्यूमेंट कीजिएगा मतलब एक नया फ्लैग आप ले रहे हैं। ओके, तो क्या कर रहा है ये ऐड आर्ग्यूमेंट जो कर रहे हैं उसमें क्या बोल रहा है, देखिए इंटीजर्स, सबसे पहला फ्लैग क्या इंटीजर है। इंटीजर्स क्या बोल रहा है कि ये डेस्टिनेशन है एक तरह का। मतलब सबसे पहले देखिए कि मेरा गोल क्या है, मान लीजिए इस प्रोग्राम का नाम है argp, ठीक है, ऐसे आपको समझ में आएगा। पहले देखिए कि बिहेवियर चाहते क्या है, वो देखिए, पहले बिहेवियर क्या चाहते हैं हम, argp लिखेंगे हम, और लिखेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे लिखेंगे नंबर। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम इस प्रोग्राम का नाम है argp, और उसके बाद हम कुछ कुछ नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, जितना नंबर प्रोवाइड करना कर सकते हैं। तो क्या होगा, अभी जब अब हम कमांड लाइन में जब हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो जब प्रोवाइड कर रहे हैं 1 2 3 4 5, तो उसको कहीं हम स्टोर करना चाहेंगे, ताकि स्टोर करने के बाद उसके साथ हम कुछ कर सकते हैं। जैसे इस प्रोग्राम का क्या बिहेवियर है, अभी जो एग्जाम्पल है ऐसा है। ओके, क्या बोल रहा है argp-sum 1 2 3 4 5, मतलब क्या बोल रहा है कि 1 2 3 4 5 को ऐड करो और उसका रिजल्ट को प्रिंट करो, यही हम करना चाह रहे हैं। इस प्रोग्राम का गोल यही है, -sum करेंगे और ऐड करेंगे। सम का बात नेक्स्ट फंक्शन में हो रहा है। पहला ऐड आर्ग्यूमेंट क्या बोलता है कि जितना इंटीजर है सबको मुझे दे दो, और सारे को एक लिस्ट में स्टोर कर दो, और उस लिस्ट का नाम क्या है, इंटीजर्स। तो बेसिकली जब आप पास करेंगे 1 2 3 4 5, तो क्या होगा, एक तरह से क्या हो रहा है, इंटीजर्स करके एक वेरिएबल नेम है, उसमें क्या होगा 1 2 3 4 5,
आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। यही एक इस मॉड्यूल का काम, एक वेरिएबल क्रिएट करेगा वो इंटीजर्स, जिसका कि ये पांच वेरिएबल होगा। अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 दे दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इतना वैल्यू लिस्ट में आ जाएगा अपने आप। ओके, ये हुआ पहला काम, क्योंकि आप कमांड लाइन से जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप कैप्चर करना चाहेंगे ताकि आप कुछ कर सकें। दूसरा क्या बोलता है ऐड आर्ग्यूमेंट कि माइनस माइनस सम, मतलब माइनस माइनस सम हम यहाँ पे लिख दें, आप कुछ भी लिखिए यहाँ पे, अब वो आपका मर्जी है क्या लिखना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, माइनस माइनस सम अगर आप पास करते हैं तो हम कुछ बिहेवियर करने वाले हैं। वो क्या करने वाले हैं, देखिए करने वाले क्या है, देखिए इसका नाम है कॉन्स्ट इक्वल टू सम। ठीक है, सम क्या है, एक फंक्शन है पाइथन में, सम एक बिल्ट इन फंक्शन है। ओके, देखिए यहाँ लिख देते हैं, सम इज ए बिल्ट इन फंक्शन। आपको बिल्ट इन फंक्शन नहीं पता है, जान लीजिए बिल्ट इन मतलब कि ऐसा फंक्शन जो पाइथन का इंटरप्रेटर या जो कंपाइलर है उसको पहले से पता है। अभी देखिए यहाँ कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि ये माइनस माइनस सम है और यहाँ सम है, तो ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप क्या कर सकते हैं, इसको हम नाम चेंज कर लिए सुविधा के लिए, इसका नाम है सम दीज, ऐसा नाम दे दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि यहाँ जो लिखे हैं वही यहाँ लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो सम है ये बिल्ट इन फंक्शन है वो आप लिख रहे हैं। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं कि यही फंक्शन कॉल होने वाला है इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं। ओके, तो ये जब फ्लैग पास करिएगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। इस एड आर्ग्यूमेंट का यही मतलब है, क्या बोल रहा है कि सम दीज अगर आप पास कर रहे हैं फ्लैग को तो ये फंक्शन हम कॉल करेंगे। ये पार्सर डॉट एड आर्ग्यूमेंट ये बिहेवियर आपको प्रोवाइड करता है। अब बोलिएगा अगर हम नहीं पास किए तो क्या होगा, सम दीज तो बोल रहा है कि नहीं पास कीजिएगा तो डिफॉल्ट इक्वल टू मैक्स, अगर नहीं पास कीजिएगा तो मैक्स जो फंक्शन है उसको हम कॉल कर देंगे। ठीक है, अब ये सम और मैक्स के बदले आप अपना कुछ फंक्शन भी डाल सकते हैं, वो भी देखेंगे कैसे करना है। ओके, और क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे डेस्ट इक्वल टू एक्यूमुलेट, मतलब जब फंक्शन को कॉल करिएगा तो जो इसका क्या कहते हैं एक्यूमुलेट जो डेस्टिनेशन है, एक्यूमुलेट जो है वो या तो सम होगा या तो मैक्स होगा, ये बोलना चाह रहे हैं। मतलब दोनों में से कोई एक चीज होने वाला है फंक्शन, है ना। जब आप पास कीजिएगा सम दिस तो सम हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये फ्लैग पास नहीं करिएगा तो मैक्स हो जाएगा। लेकिन अब क्या है हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों में से कोई जो वेरिएबल है उसको हम यहाँ पे कैप्चर कर ले रहे हैं एक्यूमुलेट में। तो एक्यूमुलेट एक नाम है एक तरह से समझिए, इसका नाम का मतलब मैक्स हो सकता है या सम हो सकता है, ये एक्चुअली रन टाइम पे डिसाइड होगा कि आप पास क्या कर रहे हैं फ्लैग, है ना। जैसे हम किए थे ls माइनस ltr, जैसे हम किए थे ls माइनस ltr किए थे, क्या है कि जो जो फ्लैग पास करेगा उसी हिसाब से हम बिहेवियर चेंज करना चाह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर भी क्या करना चाह रहे हैं कि आप फ्लैग ये पास कीजिएगा तो बिहेवियर चेंज कर दिए, सम कर दिए, अगर फ्लैग पास नहीं करिएगा तो हम बिहेवियर को मैक्स रखेंगे। इससे कारण क्या हुआ कि आप अलग अलग चीज़ कर पा रहे हैं, है ना, फ्लैग के हिसाब से, यही आपका मतलब मकसद है ना। और क्या बोल रहा है, देखिए एक्शन इक्वल टू स्टोर कॉन्स्ट, इसको अभी भूल जाइए, ऐसे मान लीजिए इसको रखे हुए हैं, इतना सारा पैरामीटर एक साथ पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो बस अभी इतना ही याद रखिए। और हेल्प एक बहुत सिंपल है, हेल्प मतलब क्या है कि एक तरह से बताने के लिए कि इस पैरामीटर का मकसद क्या है, है ना, तो वो भी बताते हैं क्या कर कैसे होगा। अब देखिए क्या है, इसको पहले रन कर दें इस प्रोग्राम को। ओके, रन करना भी थोड़ा दो तरीके से रन होता है, एक होता है क्या, जब आप कमांड लाइन में रन कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, मतलब पाइथन का इंटरप्रेटर में रन कर रहे हैं, पाइथन rp.py ऐसे लिख रहे हैं। और क्या है, मैं तो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये PyCharm जो ID है उसको यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें रन करने का अलग ही थोड़ा डिफरेंट है, अभी मैं PyCharm में ही दिखा रहा हूँ कैसे यूज़ करना है, ताकि आप PyCharm में भी सीख जाएंगे कैसे होता है। देखिए क्या करना होता है, रन में जाइए, ऊपर मेरा होता है इसमें एडिट कॉन्फ़िगरेशन है, एडिट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करिए। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ स्क्रिप्ट पैरामीटर्स, देख रहे हैं स्क्रिप्ट पैरामीटर, यहीं पे आप फ्लैग पास कर रहे हैं, इसका नाम है सम दीज, फ्लैग का नाम दे दिए सम दीज और 1 2 3 4 5 पास कर दिए। ये थोड़ा अजीब है, ऐसा कमांड लाइन से आसान होता है करना, लेकिन अब यहाँ पे
आईडी यूज़ करना सिखा रहा है, तो ये भी कर देख लीजिए कैसे होता है। ओके अब क्या ओके कर दिए, तो क्या होगा कि अगले बार जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो वही फ्लैग पास होगा वहाँ पे। अब इसको यहाँ पे रन, इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं, देखिए क्या हुआ। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए क्या आया है, सम दीज 1, 2, 3, 4, 5 और 15 आ गया यहाँ पे। ओके 1, 2, 3, 4, 5 को ऐड कीजिएगा तो 15 आ जाएगा। ओके ये हो गया इसका बिहेवियर, ठीक है। अब देखिए और क्या इसमें है, और थोड़ा डिटेल देखिए। हम कहना चाह रहे कि नहीं, सम तो बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन नहीं, हमको कुछ और यूज़ करने का मन है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना कुछ नया डाल देते हैं, कहते हैं कि मल्टीप्लायर। हम एक अपना अपना फंक्शन लिख दिए, उसको डिफाइन करेंगे डेफ मल्टीप्लायर ए फॉर आई इन ए आर स्टार इक्वल टू आई, ठीक है, आर इक्वल टू 1। और यहाँ पे करेंगे रिटर्न आर, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, ए में जितना मतलब मल्टीप्लायर जो फंक्शन है वो क्या करता है, उसको एक सीक्वेंस दे दीजिए, क्या करेगा वो फॉर आई ने सारे को मल्टीप्लाई करेगा। तो आर शुरू में 1 है, ऑफकोर्स आपको शुरू का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 0 रखिएगा तो 0 से सब मल्टीप्लाई होकर सब 0 हो जाएगा। तो 1 से रखे तो शुरू में आई का वैल्यू जो भी है एक एक करके मल्टीप्लाई हो जाएगा सब, और आर को रिटर्न कर दिए, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, सेम प्रोग्राम को रन करते हैं, देखिए रन कर, देखिए 120 आ गया, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 20, 23, 8, 9, 120, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका अब सम के बदले आप मल्टीप्लायर कॉल कर दिए, तो बताने का मकसद क्या है कि आप यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। उसी तरह डिफॉल्ट में भी मैक्स के बदले आप कुछ भी कर सकते हैं। अब एक बार डिफॉल्ट देखते हैं कि डिफॉल्ट काम कर रहा है कि नहीं कर। ओके डिफॉल्ट काम कैसे करेगा, जब आप कोई ये फ्लैग पास नहीं करिएगा तब। अब फ्लैग को पास नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से जाइए एडिट कॉन्फ़िगरेशन में, ये सम दिस को उड़ा दीजिए, सिर्फ नंबर को रखिए 1, 2, 3, 4, 5। ओके कर दिए, अब देखिए रन करते हैं, अब देखिए क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 आंसर आया 5 क्यों आया आंसर, क्योंकि डिफॉल्ट क्या है, मैक्स। डिफॉल्ट मैक्स है मतलब कि यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए आर्क्स डॉट एक्यूमुलेट आर्क्स डॉट इंटीजर्स, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सारे 1, 2, 3, 4, 5 को पास कर रहे हैं और मैक्स निकाल रहे हैं, तो मैक्स आ जाएगा आपका, ठीक है। अब एक से 5 में मैक्स तो 5 हो गया। ओके अब आप मैक्स के बदले ट्राई कर सकते हैं मीन, ट्राई करिए देखिए मीन में होता है कि नहीं, मीन भी एक बिल्ट इन फंक्शन है, रन कीजिए, ये देखिए 1 आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप चेंज कर सकते हैं। अब अगर शुरू में इतना याद कैसे रहेगा ये सब चीज़, तो सबसे अच्छा क्या है, पहले कॉपी पेस्ट कर लीजिए इतना सारा, और इसको क्या कहते हैं, और इसको थोड़ा थोड़ा एडिट करके देखिए एक एक को कि क्या होता है, ठीक है। अब देखिए क्या, और लास्ट लाइन समझाए नहीं अभी तक, ये देख लीजिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आर्ग्स इक्वल टू पार्सर डॉट आर्ग्स, पार्सर डॉट पार्स आर्ग्स, मतलब आर्ग्स जो वेरिएबल है उसमें दोनों चीज आ जाएगा, एक्यूमुलेट और इंटीजर्स, देख रहे हैं, एक है एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट क्या है, एक्यूमुलेट जो है ये डेस्टिनेशन है इसका, देखिए किसका डेस्टिनेशन है, सम दीज का, मतलब एक्यूमुलेट या तो मल्टीप्लायर होगा या तो मीन होगा, मतलब ये एक फंक्शन है एक्यूमुलेट। तो देखिए क्या कर रहे हैं, आर्ग्स डॉट एक्यूमुलेट मतलब एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और उसमें इनपुट क्या दे रहे हैं, आर्ग्स डॉट इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या है, ये देखिए इंटीजर्स में सारा इंटीजर स्टोर किया हुआ है, समझ गया है, वो एक तरह का उसका डेस्टिनेशन है। ओके तो क्या कर रहे हैं हम, बोल रहे प्रिंट करो एक्यूमुलेट करो, एक्यूमुलेट का मतलब क्या हो सकता है, मल्टीप्लायर हो सकता है या मीन हो सकता है, तो फ्लैग पास कीजिएगा तो मल्टीप्लायर हो जाएगा, और इंटीजर पास करके आप अपना बिहेवियर आपका आ गया। ओके अब ट्रिकी बात क्या है कि ये मेटा वार क्या है, टाइप क्या है, एनआर्क्स क्या है, ये सब इतना सारा चीज़ कैसे याद रखेंगे, एक एक करके इतना सारा याद करना एक बार मुश्किल है, लेकिन इसका डॉक्यूमेंटेशन आप देख लीजिए तो आसान है, लेकिन एक बार में इतना सारा चीज़ याद रखना मुश्किल है। तो क्या करिए, पहले कॉपी पेस्ट ही आसान होता है, देखिए इसका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है, पाइथन में जाइए, python.org में जाइए
और आर्ग पार्स जो होता है, आर्ग पार्स सर्च कीजिए आपको आ जाएगा। यहीं से मैंने एग्जांपल कॉपी कराया, देखिए ठीक है, और यहीं से वो एक एक करके आपको समझा रहे हैं। पूरा नहीं समझाया क्योंकि ये बहुत बड़ा है, आर्ग पार्स में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको सालों लग सकता है, लेकिन उतना जानने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको बेसिक आपका जानना चाहिए। ओके, तो आप ट्राई कीजिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।